बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने उभरती हुई प्रतिभाओं को ढूंढ कर उनको सम्मानित करने का काम किया। आपकी पूरी टीम सलील पटेल, राम कुमार पाल और जिनको आज अवार्ड मिला उन सबको बधाई। आने वाले समय में आपको ईश्वर हमेशा शक्ति दे ताकि आप ऐसे ही शुभ काम करते रहें, लोगों को प्रोत्साहित करते रहें, सम्मानित करते रहें। आप जब लोगों को सम्मानित करते रहेंगे तो ईश्वर आपको सम्मानित करता रहेगा, आपके घर में सुख और वैभव हमेशा बना रहेगा। यही ईश्वर के चरणों में कामना करता हूँ। और आप जैसे लोगों को जो अवार्ड मिला, आपने अपने कला के माध्यम से, अपने अभिनय के माध्यम से जो देश में राज्य में सेवा की है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मीडिया के लोग, आपने भी बहुत अच्छी तरह से इस पूरे कार्यक्रम को कवर किया है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ऐसा कभी फील नहीं हुआ था मुझे आज से पहले। आज मुझे ऐसा फील हुआ है कि हाँ, कि एज ए इन्फ्लुएंसर, एज ए एक्टर, आपको अगर कुछ आगे लाइफ में करना है तो अगर आपको अवार्ड नहीं मिला है और मिल गया है तो आप बहुत लकी हैं। अभी तो मैंने फिलहाल कभी म्यूजिक वीडियोस किए और म्यूजिक वीडियो के साथ साथ मैंने कपिल शर्मा में शो में किए एंड देन ऑल दैट की म्यूजिक वीडियो मैंने फाइव किए। दुबई में सॉन्ग शूट हुए मेरे, दो दो शूट हुए नॉर्थ से, बस काफी है मेरे लिए इतना। तो अभी आगे का प्लान चल रहा है मूवी का, वेब सीरीज का। सोल डांस एकेडमी से, मेरी एकेडमी पिछले आठ साल से एक बार में इनके एंटरटेनमेंट की जो सपोर्ट कर रही है, प्रेम लगाओ पानी बचाओ उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक मकर साना सूर्य की मूवी में काम किया है, मैंने जो कोरियोग्राफी उसमें काम किया। अभी मेरे मूषक आख्या अंदर की मूवी आने वाली है, इसके मैंने बॉलीवुड में द वैलेंटाइन मूवी और काफ़ी सारे एल्बम्स कोरियोग्राफी किए, वेब सीरीज कोरियोग्राफी किए, उसके लिए मेरे ये कोरियोग्राफर का अवार्ड मिला है। यहाँ पे मेरे मौजूद हैं, यहाँ से मैं स्पेशल ध्यान मुंबई रखता है न्यूज चैनल को।
पिछले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा यहाँ पे और सब लोगों ने पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ बचाने चाहिए। कोविड की सिचुएशन में सबने सबको देखा है, अवार्ड तो मिलते रहेंगे लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड है पेड़ लगाना। आप जितने भी यहाँ पे लोग मेरे को सुन रहे हैं वो जितने भी लोग हैं अवार्ड आते रहेंगे जाते रहेंगे लेकिन जिंदगी बार बार आएंगी नहीं, वो रिटेक नहीं होती है। तो मेरा सबसे बोलना है जैसे मैंने पिछले उन्हें कहा कि एंटरटेनमेंट के एनवायरमेंट के लिए जो इनिशिएटिव मैंने लिया वो सबने लेना चाहिए। हम खुद के लिए 4 लीटर पानी खुद के लिए पीते हैं, खुद भी अपने घर में जैसे हम खुद को जिंदा रखें तो घर में एक पेड़ लगाओ जिससे कि हमारे आने वाले फ्यूचर में कुछ लोगों को हमारे बेनिफिट हो। तो डेफिनेटली आपके सोशल मीडिया के थ्रू ये मैसेज वहाँ पे चला जाएगा, तो थोड़ा सोशल मैसेज था मैं वहाँ पे चला गया। तो प्लीज आप जितना हो सके पेड़ लगाओ, पानी बचाओ। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी माइसेल्फ फ्रॉम माय मधुकर बराड़े। आई एम अवार्डेड एज अ फैशन एंटरप्रेन्योर एंड अ रनवे मॉडल। दिस इज माय फर्स्ट अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ। माय थैंक्स टू माय पेरेंट्स, माय बेटर फैमिली, माय फ्रेंड्स एंड एज वेल एज माय फैंस। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस अचीवमेंट। दिस इज द स्टार्ट ऑफ माय करियर, दिस इज द स्टार्ट ऑफ माय लाइफ। लेट्स इट बी द जर्नी एंड लेट्स स्काई इज द लिमिट। आई विल रीच टू द लिमिट वेयर आई एम। थैंक यू सो मच। I request all of you, can you follow me on my Instagram handle, that is PR_Andy. Thank you so much. Give me this award. I'm very happy and thanks to all of you. इस अवार्ड शो में बहुत ही अच्छा लगा और अच्छा तो इसलिए लग रहा है कि जरूरतमंद लोगों की जो सेवा करते हैं और उन तक जो अपना योगदान पहुंचाते हैं और उसके बाद उस कैटेगरी में भी सम्मानित किया, इसलिए मैं पूरे आयोजकों का धन्यवाद देता हूं और मेरे दूसरे भाई प्रवीण जैन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ तक मुझे ले आए। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। आज हमें 2 लोगों से सम्मान मिला। पहले हम वो दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं, प्रीति जिंदानी और महिमा जी। महिमा जी मेरे काफ़ी क्लोज हैं, उनके साथ काफ़ी इवेंट्स किए मैंने। तब जब मैं सेलिब्रिटी मैनेजमेंट करता था बेसिकली, अभी तो मैं प्रोड्यूसर हूँ और उनको भी बहुत खुशी हुई मेरे से मिलकर। और अभी हमारा शो आ रहा है जिंजर में 28 अप्रैल। बाकी एक्सप्लेन ये करेंगी मैडम। आज ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड मिला हमें महिला के थ्रू और अभी आफ्टरनून में भी हमें प्रीति सिंघानिया के थ्रू अवार्ड मिला और बहुत खुशी होती है कि हमें इस तरीके के अवार्ड मिलते रहे लाइफ के अंदर, इसी तरीके हम सक्सेस होते रहे। और अपकमिंग अवार्ड हमारा आ रहा है द जिंजर में और हम चाहेंगे कि वो भी हमारा सक्सेसफुल रहे और रिमी के साथ में हमारा ये अवार्ड रहेगा एंड वी आर हैप्पी टू बी हियर। एंड Deepak Chaturvedi and in my entertainment we call upon him Mr. Deepak Chaturvedi. He is our organizer. He is working very hard for the event aur Shailesh Patel ji ka bahut yogdan rahega hamare sath aur hame khushi hai ki hum isi tarike se succeed kare aur aage acha show kar sake. Thank you so much. हमारा शो होने वाला है 28 अप्रैल को जिसमें रिमी सेन है, सुनील पाल जी हैं और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। फैशन शो भी होगा उसमें, अपना डांस कंपटीशन भी होगा, सारी चीज़ें होंगे, अवार्ड शो भी होगा। मैं चाहता हूँ आप मीडिया वाले और जो भी हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ में जुड़े और बहुत धन्यवाद आप सभी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर मीडिया पीपल। थैंक यू। सो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे को महिमा जी के हाथों से अवार्ड मिले एंड क्योंकि मैं अंडमान से आई हूँ, अंडमान से यहाँ पे आके मुझे इतने बड़ा एक्टर के हाथों से मुझे अवार्ड मिले, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और ये सिर्फ मेरा जीत नहीं है, मेरी फुल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जीत है। सो मैं यही चाहती हूँ ऐसे अच्छे अच्छे काम और भी करती रहूँगी ताकि मुझे ऐसे सम्मान मिले एंड मेरे और आने वाले और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। सो मेरे एल्बम सब भी आने वाला है, वो सब आप लोग मुंबई से आज का एक बेस्ट लीडरशिप अवार्ड ये नॉमिनेट किया गया है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं लीडरशिप के लिए मैं बहुत सब बताना चाहता हूँ, जो लीडरशिप जो है वो एक पावरफुल एक सिस्टम है और जो भी अपना जो डे बाय डे अपना टीम के लिए मेहनत करने वाला लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए और
जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाला और बेस्ट करियर के लिए लगातार जो आपका प्रयास करने वाला लीडरशिप क्वालिटी हमारे पास रहेगा, तभी हम एक महान लीडरशिप को हम बहुत लोगों को डेवलप करके योगेश मोरे मुंबई से बिलोंग कर रहा हूँ और मेरा जो फील्ड है वो है डिजिटल एसेट्स, वेब 3 और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है और भारत टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर चुका है और इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबको एजुकेशन देने का पवित्र काम भगवान ने उसके लिए मुझे भगवान ने चुना है और मैं अपने तन मन धन से इस सेवा में लगा हूँ और भारतीयों को इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देने का काम करता हूँ, उनका एसेट बढ़ाने का काम करता हूँ, उनको धनवान बनाने का काम करता हूँ, क्योंकि धन हमेशा नया टेक्नोलॉजी के साथ में बहुत बड़ा धन टेक्नोलॉजी के साथ में आता है और टेक्नोलॉजी आपको ऑप्शन छोड़ के या तो धनवान बनो उस टेक्नोलॉजी के साथ में या तो उसका बिल भरो। तो मैं इसके बारे में सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम राजकुमारी सर, खेले सर और राम सर के आगे मुझे सम्मान मिला है, थैंक यू वेरी मच। और अभी मेरा एक सीरियल चल रहा है GTV 5 पे, एक फिल्म पंजाबी मैं उसमें अभी किया है काम और जितने इतनी पंजाबी एक्ट्रेस हमारे प्रोड्यूसर एक्टर जितने लोग बहुत अच्छे, प्लीज आप लोग देखें और प्यार दे जैसे हमेशा आप लोग देखें। और 4 अप्रैल को फिर मेरा एक मूवी का एल्बम आ रही है तो ये सब आपके लिए भी थैंक यू बोलती हूँ, राम कुमार पार्षद जी को, शैलेश सर को जिन्होंने यहाँ उस काबिल समझे। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे सबसे महान एक्ट्रेस महिमा चौधरी जी के हाथों से अगर सम्मानित होती है तो और गर्व की बात है कि हम लोग उनको देख के सीख रहे हैं, चाहते हैं और बेहतरीन एक्टिंग करें। तो थैंक यू सो मच इस अवार्ड के लिए, शैलेश जी के लिए और मेरे जितने फैंस हैं मुझे प्यार करते रहे, सपोर्ट करते रहे हमेशा। मेरा अभी सीरियल चल रहा है GTV 5 पे, आप लोग देखिए प्यार दे। और 4 अप्रैल का मेरा एक सॉन्ग आ रहा है उसको भी इन्जॉय कीजिए, थैंक यू। राम कुमार भाई को धन्यवाद देते हैं कि आज इतना बड़ा काम मिल के लिए, ये बहुत अच्छा लगा, सारी मीडिया टीम लोग बहुत सपोर्ट किए, यहाँ पे इतने देता है बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। मुझे और लाइन पे है ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद भाई। नमस्कार, तो सबसे पहले आपको थैंक यू कि आप यहाँ पे ये सब कवर कर रहे हैं और मैं दिलीप भोसले लास्ट 35 ईयर से सोशल वर्क में काम कर रहा हूँ, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि आज का दिन भी आएगा और ये अवार्ड मुझे मिलेगा और आज ये शुरुआत हो गई और आगे से ये मैं काम हमेशा करता रहूँगा और इसके लिए मैं स्पेशल थैंक बोलूँगा हमारे जो हमारे ग्रुप के आगे आरके एजुकेशन ग्रुप के हमारे मेन राज काले चेयरमैन डॉक्टर राज काले, उनका स्पेशल मैं थैंक बोलूँगा, उनकी वजह से आज ये संभव हुआ है। और मैं मेरे मित्र असलम और हमारी सरकारी सीमा और मेरी वाइफ यहाँ पे मेरी फैमिली, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और जब तक मेरे जान में जान है और जब तक मुझे जमेगा तब तक मैं काम करता रहूँगा। और फिर से एक बार सभी को थैंक यू और महिमा जी चौधरी को भी थैंक यू, जिनके हाथों ये सम्मान हमें मिला तो उनका भी थैंक यू, थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ शमशाद एंटरटेनमेंट और साथ ही राजकुमार बालक सर और शैलेश जी सर एंड साथ ही डॉक्टर नितेश ताराचंद जी सर जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी एंड इनवाइट किया। और सच में आज बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ है ये शो और काफ़ी अच्छा लगा देखिए और आप सब मीडिया वालों को भी बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। मुझे ये अवार्ड मिला है बेस्ट मॉडल एक्ट्रेस एंड साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर और ये अवार्ड के लिए सक्सेस अवार्ड आपने किया मैया जी और आपके अवार्ड में, तो इतने खुश है कि सक्सेस अवार्ड को आप सवाल तो बहुत बढ़िया था, मज़ा आ गया। पता है 100 मैंने सक्सेस नहीं किया, मैं ये चीज़ के लिए कह दूँगा सक्सेस करने वाले मेरे साथ खड़े, जैसे हम बिल्डिंग बनाते ना बिल्डिंग तो उसके पिलर होते, कहा था
तो ये मेरे ये पिलर है सीमेंट बनाने वाले, ये मेरे कॉन्ट्रैक्टर है, ये है खरीदने वाले, और जिसकी प्रॉपर्टी होता गाड़ी लेके चले गए राम भैया मेरा। तो सक्सेस का क्रेडिट मैं मेरे राम भैया को दूंगा, सक्सेस क्रेडिट में राज काली सर को दूंगा, सक्सेस क्रेडिट में राम, ये हमेशा है ना पीछे पीछे रहता है, ये सब कुछ छापता है, लिस्ट भी बनाता है, बैनर भी बनाता है, लेकिन पीछे रहता है। और आज मुझे लगा कि इनकी मेहनत सामने आनी चाहिए, है सर। इसी तरह मेरे कुछ और दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, जैसे ताराचंद जी ने लिखे, ताराचंद जी ने तो कल गाली देगा मेरे को, और ये हमारे रिसोर्ट वाले के मालिक हैं, हालांकि मेरे से बहुत नाराज होते हैं, बट मेरे भाई है वो, प्यार भी करते बहुत, मुझे बोलते जब भी आना रिसोर्ट में आ जाओ तुम्हारे लिए फ्री है दादा, अपन जाऊँ जिस अरे हाँ मीरा प्लान। तो प्यार करो, देखो प्यार बांटने से क्या मिलेगा, प्यार मिलेगा, नफरत बांटने से क्या मिलेगा, नफरत। तो क्या बांटना चाहिए, जरूरी है लड़की के साथ बांटो, मैं क्लियर कर रहा हूँ, जरूरी लड़की के साथ बांटो, माँ के साथ बांटो, भाई के साथ बांटो, बहन के साथ बांटो, दोस्त के साथ बांटो, ठीक है ना। बीबी से प्यार बांटोगे ना तो फिर पंगे तो बहुत होने, कैसे, तो दोस्त को आगे रखो, भाई को आगे रखो, बीबी को आगे रखो, सबको। यहाँ पर देखो मेरे कितने फ्रेंड है, वो बोलना चाह रहे हैं, मौका मिलेगा आपको भी मेरे में बड़बड़ करने का। सो मैं चाहता हूँ कि अभी ये मैंने बहुत बोल दिया यार, काटोगे तुम मेरे को सर, आप क्या बोलेंगे छोटे भाई के लिए प्यार और राम भाई के लिए प्यार। मैंने थोड़ी देर पहले बोला है कि इनके हर प्रोग्राम में हम इन्वॉल्व रहते हैं और आगे भी रहेंगे, और अभी तो आज तो उनका बहुत स्पीड 90 का रहता है, इस टाइम 180 का स्पीड है उनका, तो बहुत जल्दी हम एक नया अवार्ड भी लेके आएंगे, बाशी करो बाशी, हाँ 500 का स्पीड रहेगा, और नया अवार्ड भी हम अप्रैल में लेके आ रहे हैं जिसकी घोषणा ये हफ्ते में हो जाएगी, राइट। और भाई ये तो हमारे जान है, मैं कुछ बोलूंगा नहीं इनके विषय में, सब चीज गुस्सा भी करते हैं, प्यार भी देते हैं, लेकिन अच्छे के लिए करते हैं, इसलिए इनके लिए थैंक यू, थैंक यू राम भाई के लिए भी थैंक यू, और हमेशा सपोर्ट करते आ रहे हैं, पूरा मीडिया टीम हंडी यही करते हैं आज तक, जो है ना मैंने देखा कि 5 साल में कितना बड़ा इन्होंने काम किया मीडिया लाइन में, और पूरा पीआरओ अच्छा एकदम कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अभी मेरे भाई, अरे खत्म नहीं हुआ है भाई, गॉडफादर राम कुमार पाल जी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जिनके वजह से ये शो हमने और ये अवार्ड शो हमने सक्सेस कर पाया। उसके बाद फिर हमारे शैलेश भाई है, जो मैंने बहुत सारे अवार्ड देखे हैं अपने लाइफ में, लेकिन इनका अवार्ड मुझे हमेशा दिल को छू जाता है। इसका कारण ये है कि ये इनका जो मैनेजमेंट है, इनका जो सिस्टमेटिक काम करने का तरीका है, वो बहुत अच्छा लगता है। इनसे जुड़ के मुझे ज़्यादा समय तो नहीं हुआ, लेकिन ये बंदा दिल को छू जाता है, ये बात पर तो थैंक यू फॉर ऑल, सारे अवार्डियों को शुभकामनाएं सबको मेरी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लास्ट में जाते जाते एक बात बोलना चाहता हूँ कि जिसे भैया ने बोला मैं भूल गया था, सारे एवोडी में से कुछ मेरे भाई थे, कुछ मेरी बहन थी, और एक मेरी बहन ऐसी थी जिसकी फ्लाइट मिस हो गई, जिसका नाम है अंजलि, वो आई थी प्यार के लिए यहाँ पर महिमा के लिए, बट उसको मिले नहीं, बट अंजलि जी आई एम रियली सॉरी, एंड सिस्टर नेक्स्ट टाइम आपको पहले एवॉर्ड मिलेगा, और ये तुम्हारा भाई का प्रॉमिस है आपको मिलेगा। ये लोग है ना मेरे से इतना प्यार करते हैं, कोल्हापुर शोलापुर राजस्थान उड़ीसा से आते मेरे लिए, खाली मेरी बात को इज्जत रखे, मैं नहीं चाहता कोई इनकी बात को कोई काटे, और उनका नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो जितने भी यहाँ पर एवॉर्ड है ना, ये एवॉर्ड ही नहीं, लोग बोलते हैं एवॉर्ड है, मैं किसी को नहीं मानता, ये सारे मेरे भाई बहन है, मेरे दोस्त है, मेरे मित्र है, इसमें से कई मेरी बहन है, कई मेरे दोस्त है, और कई मेरे बुजुर्ग है। तो मैं चाहता हूँ कि इसी तरह प्यार आशीर्वाद मिलना चाहिए, अंदर की ईश्वरी काटना मैंने बहुत बड़बड़ किया, थैंक यू सो मच। चलो राम भाई, भगवान चाहेंगे कि इंडिया में, यहाँ मुंबई में चले, पूरा इंडिया में इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता है। जय श्री प्रोग्राम का। ये बात से एक बात बोलता हूँ, यहाँ पर कितने लोग खड़े, गाइस एक मिनट, एक सपोर्ट मांगूंगा, राम से बड़ा राम का नाम किसको मालूम है, आप हाथ ऊपर करो, गुरु जी आप नीचे मत झुकना, राम से बढ़ के, क्योंकि जब राम जी ने वो पत्थर पे अपना खुद का नाम लिखा था तो पानी में बहा नहीं था, क्यों नहीं बहा था, क्योंकि राम से बढ़ के राम का नाम था। तो बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो जय जय बजरंग बली, सारे संकट हरते हैं और दुष्टों को हरते हैं, उसी तरह जय श्री राम का नारा हम लोगों को लगाना चाहिए, और ये बात हर घर में पहुंचना चाहिए। तो थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए, लोग जहाँ जहाँ से आए उसके लिए, और ये मैं आप लोग बताऊँ, यहाँ जितने खड़े ना इनका नंबर लेना, ये इनका रिसोर्ट है,